आज अपन कक्षा 10 में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है थेल्स प्रमेय, जिसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जो अपन जिसके आधार पे प्रश्नावली 11.2 संपूर्ण रूप से इसी के द्वारा हल होती है। 11.2 की जो प्रश्नावली है उसका प्रत्येक क्वेश्चन में यह थ्योरम यूज होती है। तो ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसका ये कथन दे दिया जाएगा और इसको सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा, या फिर सिर्फ इतना कह दिया जाएगा कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को समझाइए, या फिर इसका एक सेकंड नाम और है थेल्स प्रमेय, दोनों में से किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। तो ये किस प्रकार से हल होगी, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, किस प्रकार से इसको समझना है, वो अपने को देखना है। देखो सबसे पहले अपने एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को यदि वो प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे? देखो जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी और ये हो गया बिंदु सी, ये एक त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो अपन बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ये इसको बिंदु डी पे और इधर ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब वो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब देखो इसमें अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को इसमें सिद्ध करना है यानी कि ये जो रेखा है डीई, ये ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा इसी, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। और इसके अंदर देखो अपने को दिया क्या है, इसमें अपने को दिया है कि जो डी ई भुजा है वो बी सी के समांतर है, ठीक है, इस तरह के ये अपने को सिद्ध करना है, दिया है। और अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है रचना। रचना में दोस्तों कौन से पॉइंट आते हैं, रचना में अपन वो चीज लिखेंगे जो क्वेश्चन के अलावा, जो डायग्राम में, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है इसके अलावा अपनी तरफ से अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अपन ऐड करते हैं तो देखो बिंदु डी से ए पर लंब डालना अपने को, ठीक है, ये हो गया डीएफ, और बिंदु ई से इधर ए डी पर लंब डालना अपने को, तो एफ ये हो गया जी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बिंदु बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है, ठीक है। तो रचना में अपन क्या लिखेंगे, डी एफ लंबवत है ए ई पर, ये जो डी एफ है ये किस पे लंबवत है, ए ई पर। इसी प्रकार से ई जी किस पे लंबवत है, ए डी पर, ई जी किस पे लंबवत है, ए डी पर, ये चीज अपन ने की है। तथा बी व ई को और डी व सी को, डी व सी को मिलाया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना क्वेश्चन में। देखो दोस्तों ये पॉइंट लिखने से इनके भी एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, जो कोई अपने को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन में देख कर ही लिखना, क्या तो सिद्ध करना होता है क्या दिया हुआ है, रचना में वो लिखना है जो कि दिए गए डायग्राम में अपन एक्स्ट्रा कुछ चेंज करते हैं। तो देखो इसमें पहले एक त्रिभुज था ए बी सी, उसमें बिंदु ये डी ई बी सी के समांतर अपन ने खींचा जो कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या हुआ, देखो बिंदु ई से ए बी पर एक लंब बनाया और डी से ए पर एक लंब खींचा, ठीक है, और ई को बी से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया, ये अपना डायग्राम था। अब देखो इसको अपन हल कैसे करेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है हल करना। तो हल देखो दोस्तों याद रखना इसको किस प्रकार से करना है, अपने ए बी जो भुजा है, कौन सी भुजा, ए बी जो भुजा है इसके ऊपर दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज कौन कौन से बने हुए हैं, ए डी ई, एक त्रिभुज तो ए डी ई
और एक दूसरा देखो BDE, ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा अलग बना देता हूं। एक त्रिभुज तो बना हुआ है ए डी और ई, दूसरा त्रिभुज देखो इस तरह से बना हुआ है बी डी और ई, ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। ए बी भुजा पर दो त्रिभुज बने हुए हैं जिसमें अपन ए डी को आधार लेंगे, एक बार डी बी का आधार लेंगे, यानी कि ए डी आधार लेंगे दूसरे त्रिभुज का, डी बी आधार लेंगे, ये अपने को करना है। तो देखो त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों जब आधार और ऊंचाई दी हुई होती है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ए डी जो है इसकी ऊंचाई कौन सी है, देखो दोस्तों ये अपना आधार लेंगे, ए डी आधार लेंगे तो इधर अपन ने लंब डाला हुआ है कौन सा ई जी, तो ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, 1/2 आधार कितना है ए डी और ऊंचाई कितनी है ई जी, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरा देखो, इसमें बी डी आधार लेंगे। अब देखो दोस्तों ये बी डी है, अगर अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं इस तरह से, और यहां से ये लंब डाला गया है क्या जी जी ई, तो ये देखो दोस्तों ये जो त्रिभुज है डीई, ठीक है, इस त्रिभुज को इस भुजा को आगे बढ़ाया तो देखो ये इसके ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी है जीई, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई कॉमन है, कौन सी जीई, तो ये ऊंचाई जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी काम आएगी और ये इसके क्षेत्रफल में भी काम आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही आधार बना ऊंचाई, तो इसमें आ जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना, इसका आधार लेंगे बी डी और ऊंचाई कितनी है ई जी, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार आधार ए डी लिया अपन ने, दूसरी बार इसी भुजा के ऊपर आधार क्या लिया बी डी लिया। अब देखो इन दोनों का यदि अपन भाग करें आपस में, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग देना है, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या देना अपने को, भाग देना है। तो ये मैंने बट्टे में लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, इसमें 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, और ई जी से ई जी कट गया, तो क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बराबर क्या आ गया ए डी और बट्टे में बी डी, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, ये अपना समीकरण एक हो गया। अरे बात समझ में, अब देखो इसको मिटा देते हैं अपन यहां से, देखो दोस्तों जैसा जैसा प्रक्रिया अपने इस भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों के साथ किया है, सेम वही प्रक्रिया इस भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों से करेंगे। इसके ऊपर कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो यह आधार लेंगे अपन, और त्रिभुज तो वही सेम रहेगा, ये ए डी ई त्रिभुज जो है ये इस भुजा पर बन रहा है तो ये काम आएगा, इधर भी सेम यही काम मिलेंगे। तो देखो जो ए सी भुजा है इसमें त्रिभुज बन रहा है अपना, यह मैं एक बार बना देता हूं ए डी ई, सेकेंड जो त्रिभुज वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है इस तरह से, यानी कि डी ई और सी। तो देखो दोस्तों ये जो ए सी भुजा है इसमें एक ये आधार लेके बनाएंगे तो इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा ए डी ई, और इसको आधार लेंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा सी डी ई। अब इसमें देखो दोस्तों ए डी ई, अगर इधर वाली भुजा भी जब ले रहे थे तो इसकी ऊंचाई क्या थी, ये थी ईजी, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज तो वही है लेकिन इसकी ऊंचाई चेंज हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएफ, इसकी ऊंचाई कौन सी लेंगे अब की बार डीएफ, और यही ऊंचाई इस त्रिभुज के भी काम आएगी, यानी इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई कॉमन हो जाएगी, कौन सी डीएफ।
तो ये जो DF है वो इस त्रिभुज के लिए भी काम में लेना है और इस त्रिभुज के लिए भी काम में लेना है। क्षेत्रफल वही लगाना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब देखो पुनः पुनः यानी कि दोबारा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, AE, ये हो गया 1/2 इंटू AE इंटू ऊंचाई। देखो दोस्तों अब की बात इस त्रिभुज की ऊंचाई चेंज हो जाएगी क्या, DF, तो क्या हो जाएगा इसमें DF। और देखो फिर से क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग देंगे, जैसे इस वाली भुजा पे बनने वाले त्रिभुजों के साथ किया था, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग दिया था। सेम प्रक्रिया इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इधर से आधार वाले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो बट्टे में क्या जाएगा, बट्टे में देखो त्रिभुज CDE यानी कि CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। अब देखो दोस्तों आधार तो यही लेना अपने को EC इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, दोनों त्रिभुजों में ऊंचाई कॉमन है क्या, DF। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊंचाई हो गई DF। अब देखो इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और DF से DF कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या शेष रह गया, अपने पास शेष रह जाएगा इसके अंदर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, बराबर में क्या बच गया, AE बटा EC। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक बात इसमें, अब यहां तक अपने समीकरण 1 और 2 यहां तक अपने निकालिए। अब देखो एक बात है आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जब इन्हीं दो त्रिभुजों में, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं किसी भी प्रकार के, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई भी एक भुजा कॉमन हो, ये त्रिभुज 1 हो गया, ये त्रिभुज 2 हो गया, दो त्रिभुजों में कोई भी एक भुजा यदि कॉमन है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, चाहे से अगर अपन इस त्रिभुज को यूं खींचे तो ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि इसमें ये भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। ठीक इसी प्रकार से देखो दोस्तों ये जो दो त्रिभुज अपने बनाए थे, एक तो BDE ये वाला त्रिभुज और CDE ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, क्यों, क्योंकि इनका जो ये आधार के रूप में जो DE भुजा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में समान होगा, इसलिए अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, समान होगा। तो जब समान होगा तो देखो दोस्तों अपन ये जो CDE का क्षेत्रफल है, यानी CDE का क्षेत्रफल है, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल रख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखो दिया जाएगा त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
और बट्टे में देखो दोस्तों क्या लिखना है, सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी सी डी ई का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, बी डी ई के क्षेत्रफल के, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी ई का क्षेत्रफल दिया जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और बराबर इसमें क्या अपने पास ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ये अपन देखो समीकरण हो गया तीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें समीकरण तीन और समीकरण एक में क्या समानता है, समीकरण तीन और एक में क्या समानता है, इसकी जो लेफ्ट साइड है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में बी डी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या आपस में समान है, ये अपने चेंज करने का उद्देश्य यही था ताकि समीकरण एक की लेफ्ट साइड और समीकरण तीन की लेफ्ट साइड अपन समान कर सके। तो अब देखो जब समीकरण एक व तीन से इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो इन दोनों की राइट साइड भी समान होगी। तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण एक व समीकरण तीन से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट बराबर है तो दोनों के राइट भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो यह आ जाएगा समीकरण एक से ए डी बराबर बी डी तथा इक्वल सॉरी इक्वल ए ई बटा ई सी। तो देखो ये क्या आ गया, ए डी बटा बी डी आ गया, ठीक है, और ए ई बटा ई सी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि इसको समान अनुपात में विभाजित करती है वो अपन ने सिद्ध कर लिया। तो ये तो अपनी थेल्स प्रमेय थी, लेकिन इससे जुड़े कुछ अन्य परिणाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से होगा। थोड़ा सा यहां से मैं मिटा देता हूं इसको, तो देखो दोस्तों ये अपने पास ये अपना फाइनल परिणाम आ गया समानुपात विभाजित करने वाला। तो देखो इसको अपन जैसे ये दिया आ गया ए डी बट्टे में बी डी बराबर ए ई बटा ई सी आ गया। ठीक है, अब देखो इसके दोनों तरफ अगर यदि एक जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ ए डी बटा बी डी प्लस एक बराबर ए ई बटा ई सी प्लस एक। ठीक है, इस तरह से यदि अपन जोड़ दिया जाए तो अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी डी आएगा। तो देखो बी डी को बी डी से डिवाइड करेंगे तो एक अगर एक को ए डी से अगर मल्टीप्लाई इनटू करेंगे तो कितना आएगा, ए डी आएगा। बी डी को बी डी से भाग लगाया तो एक आया भागफल, भागफल को ए डी से गुणा किया यानी एक को ए डी से गुणा किया तो कितना आ गया, ए डी आ गया। प्लस अब देखो इसके बट्टे में भी एक मान लेते हैं, ठीक है, तो एक का भाग बी डी में देंगे बी डी आएगा भागफल, और भागफल को ऊपर वाले अंश यानी एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी डी आएगा। इसी प्रकार से सेम इसमें हो जाएगा कि ई सी बट्टे में क्या जाएगा, ए ई प्लस ई सी। अब देखो दोस्तों ए डी प्लस बी डी ये जब दोनों जुड़ती है तो कौन सी भुजा बनती है, ए डी प्लस ये बी डी जब जुड़ेगी तो कौन सी भुजा बनेगी, ए बी भुजा, क्या बनेगी, ए बी और बट्टे में बी डी। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड हो जाएगा ए सी बटा ई सी, तो दूसरा परिणाम क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली भुजा ए बी बटा ये छोटी वाली भुजा बी डी, और बड़ी वाली भुजा ए सी बटा छोटी वाली भुजा ई सी आ जाएगा। इसी प्रकार अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको अपन पलट के अगर एक जोड़ेंगे तो दूसरा परिणाम अपना आएगा ए बी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये परिणाम भी अपने को अपन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी थ्योरम पर में पूर्ण हुई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जा सकती है ये, अगर एग्जाम में आती है तो ये 5 नंबर से कम की नहीं आएगी, 5 या 6 नंबर की आएगी, जो कि अपने पेपर में जो 26, 27, 28 जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन इसका आ सकता है डायरेक्ट 6 नंबर का, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको मैंने करवा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, अच्छा समझ में आएगा। आप इसको अच्छे से देखिए और चैनल को डिस्क्राइब
डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे के जो 10th क्लास की वीडियो जो उनके लिंक को आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।